हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज हम यहाँ पर 22 जून 2020 के करंट अफेयर्स को सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, फॉर्ब्स रियल टाइम बिलियन एयर सूची के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष मुकेश अम्बानी ने दुनिया के शीर्ष अमीरों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए है 9वां, बी 10वां, सी 11वां, डी 12वां। इसका उत्तर है 9वां। फॉर्ब्स रियल टाइम बिलियन एयर सूची के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने दुनिया के शीर्ष अमीरों की सूची में 9वां स्थान प्राप्त किया है। इस वक्त उनकी शुद्ध संपत्ति 64.6 बिलियन डॉलर यानी 4.9 लाख करोड़ रुपए है। मुकेश अंबानी इस सूची में गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज से एक पायदान ऊपर हैं, जिनकी संपत्ति 64.5 बिलियन डॉलर है। रिलायंस इंडिया लिमिटेड भारत की पहली 150 बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई है। फॉर्ब्स की इस सूची में पहला स्थान जेफ बेजोस का है जो अमेजन कंपनी के मालिक हैं, दूसरा स्थान बिल गेट्स का है। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यभार संभालेंगे? ऑप्शन ए है रघुराम राजन, बी उर्जित पटेल, सी विरल आचार्य, डी शशिकांत दास। इसका उत्तर है बी उर्जित पटेल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में उर्जित पटेल कार्यभार संभालेंगे। उर्जित पटेल RBI के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। ये विजय केलकर के स्थान लेंगे। विजय केलकर ने 2014 में ये पद ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशिया के कितने प्रतिशत वृद्धि रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए है 0.1%, बी है 0.5%, सी है 0.7%, डी है 0.9%। इसका उत्तर है 0.1%। एशियन डेवलपमेंट बैंक 19 दिसंबर 1966 को स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका मुख्यालय फिलीपींस मनीला में स्थित है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशिया की 0.1% वृद्धि रहने का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न है, अ बर्निंग उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है रेचल डुलिट, बी है जेनिफर वेनर, सी है मेघा मजुमदार, डी है MR स्ट्रॉब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मेघा मजुमदार। मेघा मजुमदार ने अ बर्निंग उपन्यास को लिखा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहीदों के परिवार को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहीदों के परिवार को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। पहले ये 25 लाख रुपए थी। उत्तर प्रदेश में ही अभी हाल में बाल श्रमिक विद्या योजना चलाई गई थी जो श्रमिकों के बच्चों के शिक्षा संबंधित योजना है। उसके बाद गौ हत्या के बिल में संशोधन के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप चलाया गया था और हाल ही में COVID-19 से लड़ने के लिए आयुष कवच ऐप भी चलाया गया था। छठा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने हाल ही में ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया है। इससे पहले कर्नाटका ने छोटे बच्चों के ऑनलाइन क्लासों पर प्रतिबंध लगा दिया था। हाल ही में मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना चलाई गई थी जिसमें महिलाएं 11 रुपए में मास्क बनाएंगी और कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना भी शुरू की गई थी। इस समय मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं और गवर्नर लालजी टंडन हैं। सातवां प्रश्न है, R&D पोर्टल सत्यभामा किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, बी रामनाथ कोविंद, सी निर्मला सीतारमण, डी प्रहलाद जोशी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रहलाद जोशी।
प्रहलाद जोशी ने R&D पोर्टल सत्यभामा लॉन्च किया है। प्रहलाद जोशी केंद्रीय कोयला खान मंत्री हैं। सत्यभामा का फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नीट परीक्षा को पास करने वाले छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी केरल, सी बिहार, डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु ने नीट परीक्षा को पास करने वाले छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। इस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है और यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। हाल ही में तमिलनाडु के डिंडीकुला ताले को और कडांगी साड़ी को GI टैग दिया गया था। नौवां प्रश्न है, हाल ही में एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन AFC ने 2022 महिला एशिया कप की मेजबानी किस देश ने की? मेजबानी किस देश को दी गई है? ऑप्शन ए है चीन, बी भारत, सी साउथ कोरिया, डी जापान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बी भारत। हाल ही में एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन ने 2022 महिला एशिया कप की मेजबानी भारत को दी है। 1979 के बाद से पहली बार भारत को ये मेजबानी मिला है। AFC की स्थापना 1954 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। अंतिम प्रश्न है, विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किस देश का है? ऑप्शन ए है सिंगापुर, बी नॉर्वे, सी फिनलैंड, डी डेनमार्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डेनमार्क। विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान डेनमार्क का है। ये स्थान 180 देशों में से दिए जाते हैं। इसमें प्रथम स्थान डेनमार्क का है जिसने 100 में से 82.5 अंक प्राप्त किए। उसके बाद लक्जमबर्ग का है दूसरा स्थान, फिर स्विट्जरलैंड का तीसरा स्थान। भारत का स्थान बांग्लादेश, गाम्बिया और घाना से भी बेकार है। इंडिया का स्थान 168वां है जिसने 27.6 अंक प्राप्त किए हैं। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।